अरे शर्ली, तुम अभी तक अमित के साथ डेट पर गई कहाँ हो? अमित हर चीज स्टाइल से करता है। सबसे पहले मैं बॉम्बे के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में तुम्हें खाना खिलाऊंगा, उसके बाद सबसे अच्छे हॉल में तुम्हें फिल्म दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं अभी नहीं बता सकता, बस तुम ये समझ लो कि सब कुछ स्टाइल से करूंगा। ओ गॉड, ओ माय गॉड, शर्ली मैं आज तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकता। क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात नहीं है, मेरी बात है, मैं ही कुछ करना भूल गया। आई एम सो स्टूपिड। शर्ली मैं आज बैंक नहीं जा पाया। क्या तुम बैंक गई थी? नहीं नहीं शर्ली, मैं अब तुमसे उधार कैसे ले सकता हूं? नहीं, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो ले लेता हूं ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से। आधे घंटे में मैं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। आई लव यू स्वीट हार्ट। और शर्ली तुम्हारा ये उधार मुझ पर हमेशा उधार रहेगा। बाय। फेकुचन। अरे फेकुचन नहीं, इसे कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मैं भी जाता हूँ और ड्रेस चेंज करके आता हूँ। अमित ये सो शेमलेस है। शर्ली प्लान कैंसिल कर रही है। शर्ली डोंट गेट सो एक्साइटेड। आज तक किसी लड़की ने अमित कपूर के साथ डेट कैंसिल नहीं की है। बेचारी बहुत बेताब हो गई होगी। फोन आंसर कर और उसे कह मैं 10-15 मिनट पहले निकल गया। निकी झूठ मत बोलना। निकी प्लीज। हेलो हेलो आंटी। हाँ? मैं निकी। तुम्हारी मम्मी का फोन है अमेरिका से। मर गए। हाँ आंटी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और राखी? राखी भी मजे में। अमित है? अमित जी वो अभी बाहर जाने वाला था। कहाँ? कहाँ? प्लीज 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 प्लीज। वो आंटी अपनी रिहर्सल्स पे जा रहा है। हर हफ्ते नए बैंड के साथ रिहर्सल पे जाता है। बस यूं ही टाइम वेस्ट करते रहता है उल्लू का पट्टा। अच्छा निकी सुनो। जी बोलिए आंटी। हमने अमित के लिए लड़की पसंद की है। इसकी क्या जरूरत थी आंटी? सुनो, लड़की का नाम है हेमलता। वाओ दैट्स ग्रेट। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी शादी करा रही है। क्या? अरे पहले मुझे शर्ली से मिल तो लेने दो। निक्की तू ही एक अकलमंद है वहाँ। हेमलता आज बॉम्बे आ रही है और शाम को ही दिल्ली वापस चली जाएगी। इन दोनों को मिलवाने का काम तेरा। डोंट वरी आंटी, अब बिल्कुल फिक्र मत करना। समझो अमित की शादी पक्की। हेलो मम्मी। कैसे हो? हाँ मम्मी मैं ठीक हूँ। मम्मी ये क्या मजाक है, ये शादी बीच में कहाँ से आ गई? जिंदगी भर कुंवारा रहेगा? नहीं 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 नहीं, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है ना माँ। डैडी को दो। डैडी डैडी नहीं, डैडी डैडी ओके ओके ओके, बस बस बस, मैं उससे मिल लूंगा अच्छे से। हाँ हाँ, शाम को उसे एयरपोर्ट तक भी छोड़ दूंगा। आई लव यू माँ, आई मिस यू, टेक केयर। ओ गॉड, कंग्रेचुलेशन कपूर है। अमित ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तुम्हें हेमलता से मिलवाएं। हेमलता? अरे वहाँ वर्ली में शर्ली मेरा इंतजार कर रही है। मुझे किसी हेमलता से नहीं मिलना, मैं जा रहा हूँ। अमित के डैडी को फोन लगा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मैं हूँ ना, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। अमित शर्ली फ्रॉम वर्ली का प्लान कैंसिल। एक सीधी सादी लड़की सीधी दिल्ली से आ रही है तुझे मिलने। अरे लेकिन मुझे सीधी सादी लड़कियाँ पसंद ही नहीं है। अमित कौन सी तेरी शादी आज होने वाली है? एग्जैक्टली। सुन राखी, आज के दिन ना हमें अमित को अकेला छोड़ देना चाहिए, है ना? वो बेचारी आएगी, हम दोनों को यहाँ देखेगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना? कहाँ फंस गई बेचारी। अरे डफर, फंस तो बेचारा मैं गया हूँ। बाय अमित। बाय अमित। बाय, सी यू। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, अरे मुझे छोड़ दो यार, मुझे छोड़ दो, अरे मुझे, अरे मेरी माँ। ओह ओह, तुम यहाँ अकेले बैठकर हेमलता का इंतजार करोगे? ओके। देखो राव, तू जल्दी से यहाँ जा, मुझे तेरी मदद की बहुत जरूरत है। मैं सो रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, क्या चाहिए तुझे? अरे यार दिल्ली से एक लड़की आने वाली है। ओह शायद आ गई। कहाँ है तेरी दिल्ली वाली लड़की? अबे ओए, आई नहीं है, आने वाली है। अच्छा अच्छा, बता बता कौन है वो? मेरे डैडी मम्मी जबरदस्ती उसे मेरे साथ चिपकाना चाहते हैं। शादी वाला मामला है यार। शादी? हाँ मैं जा रहा हूँ। अबे नहीं, तू कहाँ जा रहा है? मेरी डेट तो शर्ली के साथ है। शर्ली फ्रॉम वर्ली? ओ इट्स ओके, मैं शर्ली को डिसअपॉइंट होने नहीं दूंगा। शट अप, शर्ली के साथ मैं जाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि तू हेमलता को मिले और अमित कपूर बन के मिले। अमित कपूर? प्लीज प्लीज देख देख मेरी बात सुन, चंद घंटों की बात है, हेमलता आएगी, तुझसे मिलेगी, मतलब अमित कपूर से मिलेगी, उसके बाद दिल्ली लौट जाएगी। हेमलता खुश, डैडी मम्मी खुश, निकी राखी खुश, और अमित कपूर खुश, सब खुश। और मैं ना खुश? अरे देख यार,
हो सकता है कि हेमलता भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़की हो, तेरे खुश होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तू डेट पर जाएगा और मैं यहाँ घर पे बैठकर सड़ूंगा। है अच्छा अच्छा, एक मिनट, बहुत ये मेरा वॉलेट है, हेमलता को किसी अच्छी जगह पे डिनर पे ले जाना, जा अब ठीक है। ये हुई ना बात, नाउ यू डोंट वरी, अमित कपूर और हेमलता की शादी पक्की। अबे नहीं यार, मैं हेमलता से शादी करना नहीं चाहता। आप उसे एयरपोर्ट पर छोड़ के सीधे घर वापस आ जाएंगे, ठीक है? एयरपोर्ट पर? हाँ। इसमें एयरपोर्ट का खर्चा इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है, हिसाब बाद में कर लेंगे, लेकिन हेमलता के साथ उल्टी सीधी कोई हरकत मत करना, ओके? कमाल का आदमी है, एक तो अमित कपूर बनने को कह रहा है, ऊपर से लड़की से दूर रहने को कह रहा है, ये भी कभी हो सकता है यार। तो फिर हो जा तैयार। हाँ, चल प्रैक्टिस करता हूं मैं। डिंग डोंग। हाय, नमस्ते जी, मैं हेमलता हूं, आप मेरे वो है ना स्वामी? हेमलता? फिर वाह, धूम। ए, कौन आया, कौन आया? हाय, आई एम हेमलता। तुम अमित हो ना? कोई शक है? नाइस हाउस। यस। कुछ कहा? मैं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। बैठ क्यों नहीं जाती हेमलता? अब मुझे सिर्फ हेम कहो। कौन सा, कौन सा है? बैठो ना हेम। देखो अमित, एक दूसरे को जानने के लिए हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो क्या ये जरूरी है कि तुम इतने दूर बैठो? जरूरी है। कम ऑन अमित, यहाँ बैठो ना। तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं बैठ जाता हूँ। वैसे आंटी ने तो नहीं बताया था कि तुम इतना शर्माते हो। मैं कहाँ शर्माता हूँ। हाँ, आंटी ने ये बताया था कि तुम बहुत शरीफ हो। मैं बहुत शरीफ हूँ, बहुत शरीफ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अच्छी बनेगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये बताओ हेम, तुम लंच पर कहाँ जाना चाहती हो? अब मेरी जिंदगी की डोर तुम्हारे ही हाथों में है, तुम जो चाहो वो करो। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके। हो शर्ली, शर्ली। हेलो, हाय शर्ली, मैं बोल रहा हूं। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि मुझे आज की शाम बहुत अच्छी लगी। कौन बोल रहा हूं? मैं अमित बोल रहा हूं डार्लिंग। कौन अमित? तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं कर रही हो? अरे मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए। हाँ राजेश, तो मैं बाद में फोन करता हूँ तुझे। हाँ चल, भाव मत खा, बता हेमलता के साथ बात बनी कि नहीं? तेरे कहने पे मैंने हेमलता से मिल लिया, बस बात वहीं खत्म हो गई। हेमलता दिल्ली चली गई, तुम दोनों भी उसे भूल जाओ, ओके? लेकिन हमें भूल जाओ उसे। हेलो हेमलता। हाँ मैं अमित की दोस्त निकी बोल रही हूँ। हाय, क्या तुमने और अमित ने शादी करने का फैसला कर लिया? क्या? लेकिन उसने तो हमें, अच्छा हाँ मैं कह दूंगी, बाय। मैं शाना बनता है। मैं वो मैं क्या, तू सोच रहा था तू हमें बिना बताए शादी की डेट फिक्स कर लेगा? मैं ये सोच रहा था कि शादी के बारे में पहले से बात नहीं करनी चाहिए ना, अब शगुन होता है। हाँ। अच्छा हाँ। कितना फ्रॉड है, कह रहा था कि हेमलता दिल्ली वापस चली गई जबकि वो खाने के लिए आज रात को यहाँ आ रही है। क्या, वो यहाँ आने वाली है? यस, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अमित वो तेरे ऊपर लट्टू हो गई है। आंटी तूने ऐसा क्या कर दिया? मालूम नहीं, पूछ के बताता हूँ। अमित मजाक बंद कर और बता, तू हमें मिलवाएगा ना उससे? Of course, why not, why not? अमित, आज रात को तुम लोग दोनों अकेले बैठ के खाना खाना, हम लोग उसे मिलते ही चले जाएंगे। अमित कपूर, ये तूने क्या कर दिया? चुप चुप, इतनी जल्दी भी क्या है, है ना? कुणाल के बच्चे, मैं तेरी जान ले लूंगा। क्यों, मैंने क्या किया? Hello girls. Hi. ए अमित बताना उसे कौन सा खाना अच्छा लगता है? चाइनीज। Yes, Chinese it shall be. निकी राखी, एक मिनट,
क्या ना कि मेरी हेमलता को ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। ये तुम्हें किसने कहा? खुद हेमलता ने। ओके अमित, हम लोग भीड़ नहीं, तेरे दोस्त हैं यार। और अमित कमाल है यार, तू अभी से ही पजेसिव होने लग गया। नहीं नहीं यार, तुम लोग मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। वो क्या है ना कि मैं तुम लोग को बाद में कभी मिलवा दूंगा, इस वक्त तुम लोग जाओ। बिल्कुल नहीं, हेमलता और तुझे मिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हाँ, और मैं हेमलता से मिलकर ही जाऊंगी। चल चाइनीज खाना लेके आते, चल बाय बाय बाय। अमित, अबे तू कहाँ जा रहा है मोटे? सच सच बता, तूने हेमलता के साथ क्या किया? मैंने क्या किया? उसने अपने दिल्ली जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। अच्छा, वो मान गई? मैंने तो उसे मजाक में कहा था। क्या कहा? तू चिल्ला क्यों रहा है? प्लान तो तेरा था, मेरा नहीं। अबे मेरा प्लान कुछ और था, मैंने तुझसे कहा था कि उसे फ्लाइट पर बिठा कर तू अकेला वापस घर आना। मैंने उसे एक ही बार प्यार से कहा था कि हेमलता तुम कुछ और दिन रुक जाओ प्लीज। अबे गधे, अब जानता है क्या होगा जब निक्की और राखी हेमलता से मिलेंगे? मेरा पर्दाफाश हो जाएगा, उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुझे अमित कपूर बनाकर मैं खुद शर्ली के पास चला गया था। मैंने तुझे पहले ही कहा था मुझे तो शर्ली के पास भेज दो। तो शट अप। अब क्या होगा कुणाल? कुछ सोचते हैं। एक आइडिया है, तू बोल। ठीक है ठीक है, मैं बोलता हूँ। एक काम कर, इस वक्त तू यहाँ से चला जा और 15 मिनट बाद तू मुझे फोन करना हेमलता बन के, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यही तो मेरा आइडिया भी था। ताली जा। बाय। Dinner is ready. हेमलता, तुम दोनों से मिलके कितना खुश होगी? हम लोग से मिलके खुश हो ना हो, मगर ये चाइनीज खाना खाके बहुत खुश हो जाएगी, है ना? पता नहीं किसका फोन है, मैं देखता हूँ। हेलो हेमलता, तुम? हाँ बोलो। क्या तुमने अपना प्रोग्राम बदल दिया है? तुम आज रात को नहीं आ सकती? ऐसा मत करो हेमलता, मेरे दोस्तों का दिल टूट जाएगा। तो क्या कर रही हो तुम निकी? अबे साले अमित, मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मेरे बाप ने मुझे दिल्ली फौरन बुलाया है। कुणाल फोन रख दे। सॉरी। मैं तो तुम दोनों के साथ मजाक करने वाला था। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें यहाँ हेमलता के साथ अकेला रहना है? हाँ तो ठीक है, मैं साफ साफ कह देता हूँ कि मैं यहाँ हेमलता के साथ अकेला रहना चाहता हूँ। नहीं निकी, ऐसे नहीं हो सकता यार। रहने दे राखी, हमें इससे क्या, जब ये चाहते नहीं कि हम उससे मिले तो हम जबरदस्ती क्यों करें? ओके अमित कपूर, ओके अब तुम हेमलता के साथ यहाँ अकेले खाना खाना और आज रात हम अनीता के घर रहेंगे। ओके आई लव यू, थैंक्स। इट्स ओके, तुम जाके तैयार हो जा। ओके ओके बाय। निकी राखी, हेमलता को पहले यहाँ आने तो दे यार, फिर बिन बुलाए मेहमानों की तरह हम यहाँ टपक पड़ेंगे। ये मीन कबाब में हड्डियाँ। वेरी राइट, चल। देख मेरे बाप, इस बार कोई गोचित करना, सवाल ही नहीं उठता। जैसे वो यहाँ आए तो कोई ना कोई बहाना बना देना और उसे यहाँ से भगा देना। डोंट वरी, मैं चलूं? यस ओके ओके बाय। क्या है? अमित साहब है घर पर? अरे सामने तो खड़ा है। क्या? नहीं नहीं नहीं, सामने तो खड़ा है। अमित माय डार्लिंग, आई एम विराट, कम कम, यू मिस मी? यस लॉर्ड। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल, कुणाल। कितने सालों से सेवा कर रहे हो अमित साहब के? अमित साहब की? जब से ये इतना सा था। ये जो कुणाल है ना, हमारा बहुत पुराना नौकर है। कुणाल मैडम को नमस्ते करो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। इसके बाद इस घर की चाबियों का गुच्छा तुम्हारी कमर पर लटकेगा। अच्छा है, अच्छा है, जितनी जल्दी मेरे सर से ये आफत उतर जाए उतना ही अच्छा है। वैसे इस घर में एक ही चाबी है और 2 डुप्लीकेट है, ये लीजिए। इसे अपने पास ही रखो। मैं चलता हूँ साहब। चलो। ए? खाना कौन सर्व करेगा? खाना कौन सर्व करेगा? आप लोग खाना खाएंगे? अरे खाएंगे खाएंगे। प्लीज वेट एट द टेबल। रिश्ते कैसे जुड़ जाते हैं ना? अब देखो, कल तक हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और आज हम कितने करीब है ना। कुणाल। हाँ तुम उसकी तरफ से ये जवाब क्यों दे रहे हो?
वो क्या है ना, हम दोनों अलग थोड़े ही हैं। वो क्या होता है, कभी कभी मैं उसके लिए जवाब देता हूँ और कभी 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 वो मेरे लिए जवाब देता है। और वो तो अपने आप को घर का मालिक भी समझता है। हाँ। अब देखो हा? मैं उसे अमित करके बुलाऊंगा और वो कैसे दौड़ा दौड़ा चला आएगा। अमित क्या है, पानी नहीं रखा कुणाल? हाँ मैं अभी लाता हूँ। कुणाल तुम पानी भूल गए? हाँ मैं लेकर आता हूँ। देखो अमित, आजकल ना नौकरों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। अरे तुम जब आ जाओगी तो तुम सब संभाल लेना। ओके आ रहा अबे। फिर से कंफ्यूज हो गया। वो क्या है, हम दोनों जब इतने इतने से थे ना तब से एक साथ हैं, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हा? मैं अब भी आया। हा? ओके क्या है? अबे मोटे, इसे भगाने का तू क्या लेगा? उसे खाना तो खाने दे, फिर जाएगी वो। जितने प्यार से तू उसे खाना खिला रहा ना, लगता है रात भर बैठी बैठी खाना ही खाती रह जाएगी। देखो बेटी, मैं लड़कियों से रूड नहीं बन सकता। अच्छा हाँ। तो तू यहाँ खड़ा रहे, मैं उससे रूड बन के आता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको खाना कैसा लगा? ऐसे पूछ रहे हो कि तुमने बनाया है? अरे नहीं नहीं, आप समझी नहीं, क्या है कि अपनी ड्यूटी है पूछने की। वो क्या है, अमित साहब हर हफ्ते कोई ना कोई नई छमिया को लेके आ जाते हैं और अपन को पूछना पड़ता है, बोलिए इसलिए। क्या? और नहीं तो क्या। नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। आप बैठिए ना, आप बैठिए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, आप मत बैठिए, आपको अमित साहब अंदर बुलाने चाहिए। मर गए। हाय। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग एक बार जोड़ी को देखने आए थे। देख लिया ना, अब जाओ। ए अमित, अमित क्या है, तू इतना दूर दूर क्यों खड़ा है? पास जाना उसके, तभी हम जाएंगे। प्रॉमिस प्रॉमिस। बजाओ। आपको हमारा किचन कैसा लगा? छी, ऐसा लगता है कि सालों से कोई औरत इस किचन के अंदर गई ही नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तुम आ गई हो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार तुम्हारे हाथ किचन की दीवार को छू ले, सब कुछ चमक जाएगा। एक्सक्यूज मी, आप बैठिए कि मेरे मतलब खड़ी क्यों है, बैठिए ना, आइए आइए। हाँ मैं साहब को भेजता हूँ। हाँ ठीक है। हाय हनी। देखो शादी के बाद इस कुणाल के बच्चे को निकाल देना। फिर तुम रहोगी इसके साथ? क्या? मेरा मतलब है उसे निकाल देंगे तो तुम्हें घर के काम में मदद कौन करेगा? मैं दिल्ली से ले आऊंगी अपना नौकर। वो तो बात की बातें हैं, लेकिन हनी तुम मुझे मिस करोगी या नहीं? हाँ स्वीटी, तो सिर्फ थोड़े ही दिनों की तो बात है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कौन है? मैं बताता हूँ ये कौन है, मैं बताता हूँ, ये मैं निकी, ये है राखी। ओ अमित के फ्रेंड, फोन पर बात किया था ना। तुझे पता है अमित, कुणाल ने तेरे साथ दगाबाजी की है। तुझे पता है ये क्या कर रहा था जब तू किचन में था? ऐसे ऐसे कर रहा था उसके ऊपर। कोई मुझे समझाएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? तो हम तुझसे पूछ रहे हेमलता, तुम तो अमित से शादी करने वाली थी ना, तो ये कुणाल के साथ क्या चक्कर है? ये कुणाल नहीं अमित है। ये अमित नहीं, ये अमित है। क्या धोखेबाज? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तुम्हें दिल्ली जा रही हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए, बता दो। हेलो हेलो, मैं अमेरिका से अमित का डैडी बोल रहा हूँ। जी अंकल, अमेरिका से तुम्हारे डैडी का फोन है। हेमलता आई थी वहाँ? हाँ जी हाँ जी, अभी अभी गई है। कैसी लगी उस उल्लू के पट्टे को? आप खुद ही अमित से पूछ लीजिए। अमित तुम्हारे डैडी का फोन है। हेलो अमित, तुम्हारे डैडी का फोन है। हेलो अमित, तुम्हारे डैडी का फोन है। हेलो हेलो।